वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के लिए चीज़ी पोटैटो पॉकेट लेकर आए हैं। यह बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी भी है और बच्चों को चीज़ बहुत पसंद आता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए हम देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए पहले हमें आटा लगाना पड़ेगा। इसके लिए हमने मैदा लिया है, नमक लिया है स्वाद अनुसार, अजवाइन है, तेल है, वेजिटेबल ऑयल और पानी। हम आटा गूंथ लेते हैं। बाउल में आटा ले लें, इसके बाद नमक डाल दें, अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डाल दें मसल के, तेल डाल देंगे, ये गरम तेल नहीं ठंडा ही तेल है। अब हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये इस तरह से आटा बंधना चाहिए हाथ पे, जब आप मुट्ठी बांधे तो मतलब आपका मोयन एकदम सही डला है। अब हम आटा लगा लेते हैं, पानी डालते हैं। पानी भी हमने मीडियम टेम्परेचर का ही लिया है, रूम टेम्परेचर का, ठंडा पानी नहीं लिया है। इसका हमें आटा लगाना है ना सख्त ना नरम, बीच का आटा आपको इसका लगाना है नॉर्मल। वैसे हम रेस्ट के लिए रख देते हैं, तब तक हम आलू का मसाला बना लेते हैं। ये आलू लिए हैं, इसे मैश कर लें। बटला लिया है, मटर, ये हमने उबले हुए मटर नहीं लिए हैं। मसाले में हमने लिया है सौंफ, जीरा, खड़ा धनिया, हींग, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर एक एक चम्मच चाहिए, नमक स्वाद अनुसार और चीनी, ये भी आप स्वाद अनुसार लें, अमचूर पाउडर, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट और हरा धनिया। चलिए हम मसाला बना लेते हैं। पैन में तेल डाल देते हैं, तेल में हम खड़ा मसाला डाल देंगे, हींग डाल देंगे, साथ ही में हम सौंफ, जीरा और खड़ा धनिया डाल देते हैं। इसे हम थोड़े से चटकने देते हैं। अब हम अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे, इसे भी एक मिनट के लिए पका लें। अब जो हमने सूखे मसाले लिए थे वो डाल देते हैं, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और चीनी और अमचूर, इन्हें हम सभी को डाल देना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ये अच्छे से भुन गया है थोड़ा। अब हम इसमें मटर डाल देते हैं। आप चाहे तो फ्रोज़न मटर ले सकते हैं, ये मटर ताज़ा है इसलिए इसको पकाना पड़ेगा थोड़ा सा, फ्रोज़न मटर नहीं है ये। इसमें पानी डाल देते हैं हम थोड़ा सा और इसे हम पकने देते हैं ढक के। ये देखिए ढक्कन हटा लेते हैं, ये मटर पक गए। इसमें आलू डाल देंगे और आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं, ज़्यादा तीखा, कम तीखा। ये मसाला अच्छे से मिल गया, अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे। अब हम पॉकेट बना लेते हैं। पॉकेट के लिए जो हमने आटा लिया था उसकी एक लोई निकाल लेते हैं, थोड़ी बड़ी लोई लेना है, तो कि हमको पूरा गोल रोटी जैसा बेलना है इसे। थोड़ा सा परोथन लगा लिया था ताकि अच्छे से बिल जाए। हमें इसमें से चौकोन पट्टी निकालनी है एक साइज की। इस तरह से आप काट के आसपास के आटे को निकाल दें और इस तरह की चौकोन पट्टी निकाल लें। इससे हमारे तीन पिज़्ज़ा पॉकेट बन जाएंगे, एक ही साइज़ के आपको काटना है पीस। ये हमने चीज़ स्लाइस ली है, इसके हमें चार पीस करना है।
आप मैदे की जो पूड़ी हमने चौकोन बेली है उस पर पहले हम चीज़ की स्लाइस रख देंगे। फिर हमने जीरा मंड लिया था, पोहा मसाला, जीरा मंड वो डाल देंगे इस पर चीज़ के ऊपर, और हमने जो आलू का मसाला बनाया था वो हम इस पर रख देंगे। एक स्लाइस और रख देंगे इसके ऊपर चीज़ की। दूसरी पट्टी रखने के पहले हमें पानी लगाना पड़ेगा ताकि पट्टी अच्छे से चिपक जाए और तेल में डालने पर खुले नहीं। इस तरह से आप पानी लगा लें और इस पट्टी को चिपका दें उस पर। अब आप फोक की सहायता से इसके किनारे दबा दें। ये हो गया है, ये बन के तैयार है पॉकेट। इसी तरह से हम तीनों पॉकेट बना लेंगे। हम तेल गरम करके रख देते हैं। तेल जब थोड़ा सा गरम हो जाए तब आप पॉकेट इसमें डाल दें और धीमी आंच पर इसे तल लें। गैस की फ्लेम आप धीमी रखें। जब पॉकेट एक तरफ से पक जाए तब आप उसे पलट दें। ये अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, हम इसे फिर से पलट देते हैं। ये बन के तैयार है, अब हम इसे निकाल लेंगे। आप इसे हरे धनिए के साथ, हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व करें, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपको ये पसंद आता तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।